अस्सलाम वालेकुम, आज की रेसिपी है चिकन चिली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चिकन चिली बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी शिमला मिर्च कटा हुआ, एक अंडा, एक चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक कटोरी कटा हुआ प्याज, एक चम्मच विनेगर और कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच टोमेटो केचप, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले कुछ खड़े, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर और चीनी। यहाँ मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसमें एक अंडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लें और इसे 1/2 आवर के लिए ढक के साइड रख दें। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन को डालेंगे। आप गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और इन एक एक करके सारे चिकन को इसमें डालें और इसे अच्छे तरह से फ्राई कर लें। 1 मिनट तक आप एक साइड से फ्राई करें, उसके बाद इसे पलट लें और इसे दूसरे साइड से भी 1 मिनट तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। देखिए इस तरह से आप सारे चिकन को फ्राई कर लें और इसे एक बर्तन में निकाल लें। इसी तरह से आप सारे चिकन को फ्राई कर लें। अब हम उसी ऑयल में छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा तलने देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, गोल मिर्च ऐड किया है, नमक ऐड किया है, थोड़ी चीनी ऐड किया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप इस मसाले को मिक्स कर लें, थोड़ी देर इसे फ्राई करें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, विनेगर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर और इसे आप पका लें। अब हम इसमें 3 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आप इसके फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छी तरह से ढक के थोड़ी देर पका लें। ये देखिए इस तरह से मसालों में बुलबुले आने लगे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने मैरिनेट किया हुआ था उसमें का थोड़ा मसाला बच चुका है, अब आप उसमें पानी ऐड करके इसमें इस ग्रेवी में ऐड कर दें। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक करके स्लो फ्लेम पे तब तक पकाएं जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता। आप इस स्टेज पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये मुझे और ग्रेवी चाहिए तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आपको इस स्टेज में ग्रेवी और नहीं चाहिए तो आप इसी तरह से इसे ढक के और थोड़ी देर पका लें।
ये देखिए हमारी चिकन चिली बिल्कुल बन गई है। आप इसे इसी तरह से सर्व करें या चाहे तो पराठे के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।